हेलो हाय नमस्कार, मैं मुश्ताक खान, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स, ऑल द बेस्ट। ये बड़े बाप के बिगड़े पिल्ले, सर मुंडवाने का इतने शौक है तो साथ में उस तरह क्यों नहीं रखता? 20,000 की गाड़ी और 20 पैसे की माचिस नहीं, ले जला, तेरे को किसी की फिक्र है या नहीं? जानता है क्या हुआ? तेरा बाप आया था गाड़ी में बैठकर, तेरी माँ के साथ बहुत देर तक बातें करता रहा, फिर पता नहीं थोड़ी देर के बाद तेरा बाप चला गया, लेकिन तेरी माँ पागलों की तरह ट्रैफिक की तरफ भागी। वो तो अच्छा था जो मैं था वहां, बचा लिया उसको, वरना मेरी एक टांग नकली है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, एक दिन गलती से उदय भाई के लिए मेरे मुंह से गलत निकल गया तो मजनू भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के टुकड़े टुकड़े कर डाले, लेकिन इंसान अच्छे हैं, मुझे फौरन हॉस्पिटल लेके गए, मेरी नई टांग लगवाई। अरे वो तो कमाल हो गया, सुनील शेट्टी को निकाल के भाई को हीरो ले लिया डायरेक्टर ने, बोला सड़क पे से किसी को भी उठाकर स्टार। बोला सड़क पे से किसी को नहीं उठा रहा हूँ, बल्कि एक बहुत बड़े एक्टर को ले रहा हूँ, बहुत ग्रेट डायरेक्टर है वो। अरे यार ये तो पकड़ा गया ठीक है, लेकिन वो तारा और सितारा कहाँ चले गए मेरी नौकरी खतरे में डालकर? और तू इतना बड़ा क्रिमिनल बनता है, उन दो छोकरों को 2 मिनट भी नहीं रोक सका, अब चल उठ। अरे यार ये कैसे उठेगा, इसके पैर में गोली लगी है, इसे इसे डालो कंधों पर और ले जाओ अस्पताल। सेठ जी मैं आपको सचेत करने आया हूँ। सेठ जी सचेत करने आया? आजकल दो चोरों ने आतंक मचाया हुआ है। आतंक? चोरी के ऐसे नए नए चक्कर चलाते हैं कि पुलिस भी चक्कर घिनी बन जाती है। क्या बात करते हैं? अभी कुछ दिन पहले एक अलमारी में घुस के पूरे घर को लूट लिया। पूरे घर को? सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो मुश्ताक भाई, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स, थैंक यू वेरी मच। मुझे सबसे अच्छा तो लग रहा है कि हम बहुत सालों के बाद मिल रहे हैं। जब हमने फिल्म की थी वाइफ है तो लाइफ है, तब भी बड़ा मजा आया था, बड़ा कमाल का किरदार किया था मुश्ताक जी ने, बड़ा उसको इम्प्रोवाइज भी किया था मारवाड़ी लैंग्वेज वाला। खैर मुश्ताक भाई, शुरू से शुरू करते हैं, आप मध्य प्रदेश से हैं, थिएटर आपने किया हुआ है, फिर जब मुंबई आ रहे थे तो ये कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस था, या सब लोगों का इंकरेजमेंट था, या डिस्करेजमेंट था आपके आसपास? मैं बताऊं, ओवर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं था। ओके, एक बिल्कुल ठीक ठाक कॉन्फिडेंस था, प्रैक्टिकल। हाँ बिल्कुल, और ये था, और ये तो सोचा ही नहीं था कि मेरे को जाके वहाँ पे हंगामा खड़ा कर देना है, हीरो बनना है और ये और वो चकाचक, और बिल्कुल फिर बिल्डिंग होगी और अपना फ्लैट होगा और बंगलो होगा और गाड़ी, ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था, ये था कि भैया एक्टिंग करनी है और जितनी अच्छी एक्टिंग, जितनी नेचुरल एक्टिंग करनी है, और क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने एक्टिंग नहीं किया तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। वही चीज को आप? हाँ वही वही वही, क्योंकि मैंने आई स्टार्टेड माय एक्टिंग द फ्रॉम व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड। ओके, एंड आई यूज्ड टू परफॉर्म द स्टेज सिंगिंग एंड राइटिंग अ प्ले। अच्छा, लिखते भी थे? मैं लिखता भी था, नाटक लिखता भी था, उसको डायरेक्ट भी करता था, एक्ट भी करता था। वाह, तो वो स्कूल उसमें और कॉलेज में और इधर उधर, और कुछ जो फंक्शंस होते हैं जैसे गणेश उत्सव हो गया, दुर्गा उत्सव हो गया शहर में, यहाँ वहाँ, तो वहाँ जाके कर दिया स्किट, यहाँ जाके कर दिया। तो आई वॉज फेमस इन दैट कि यार वो नाटक नाटक कंपनी कहाँ है? ओके, हमारा मेरा ये था कि नाटक कंपनी को बुलाओ, उससे कुछ करवाओ यार, यहाँ पे ये मेला है, यहाँ पे ये कुछ करवाओ, इस तरह का होता था मेरा। एक्चुअली सही नाम भी दिया उन्होंने नाटक कंपनी, क्योंकि सब कुछ कर लिया आपने, राइटिंग भी कर ली, डायरेक्शन भी कर लिया, एक्टिंग तो नहीं, वो मजबूरी में करना होगा, लेकिन आप पूरा कंपनी फॉर्म। मजबूरी इसलिए कि मुझे ऐसा लगता था मैं ही अकेला हूँ, बाकी सब बोले क्या कर रहे हैं यार ये क्यों ये, मैंने कहा नहीं यार मेरा यही है मेरी हॉबी, मैं शायद पता नहीं ना पढ़ाई में मन लगता था, बस ये दो चीज़ों में, एक तो मेरा ये और स्टेज और एक्टिंग, और दूसरा मेरा स्पोर्ट्स का था। पर ये बात बहुत अच्छी रही कि आपको जो भी अवेलेबल प्लेटफॉर्म मिला वहां आपने परफॉर्म करना नहीं छोड़ा। हाँ। उससे कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होता गया होगा, पॉलिश होती गई होगी। फिर मुंबई आने का प्लान कब और कैसे हुआ? एक्चुअली मुंबई आने का प्लान भी कमाल इत्तेफाक है, मेरे यहाँ जहाँ मैं पढ़ता था, फिर मैं बालाघाट शहर चला गया, वहाँ से अपने गांव से बैहर से वहाँ चला गया, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया पुलिस के साथ, स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया, और उसी दौरान एक माधुरी मैगजीन आती थी दैट टाइम, दिस आई एम टॉकिंग 1974-75, माधुरी मैगजीन आती थी, मायापुरी और माधुरी, तो माधुरी में एक एडवर्टीजमेंट आया था एकेडमी का, नेशनल फिल्म एंड एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न, वो मुंबई का था, तो उसमें अगर आप अब एक्टर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फॉर्म भर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर 6 महीने का कोर्स है, ये इस तरह का कुछ था। तो मेरे दोस्तों ने बोला यार ये ऐसा 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 है, देख लो देख, तो कुछ लोगों ने बोला पूना जाओ, तो पूना का सुना कि नहीं बहुत डिफिकल्ट है पूना, हाँ पूना तो वर्ल्ड वाइड होता है और वो उसमें बड़ा मुश्किल है एडमिशन मिलना, तो फिर मैंने इसमें ऐसे ही भर दिया फॉर्म।
ठीक है, तो वहाँ से मेरे को बुलावा आ गया हाँ। और उसी वक्त वो इंसिडेंट हो गया, तो घर वालों ने भी सोचा यार इतना बड़ा हंगामा हो गया, स्टूडेंट तो थे तो वो थोड़ा पुलिस वुलिस सर्च कर रही थी कि कौन कौन लड़के थे, सबको इकट्ठा करो, जिन्होंने हंगामा किया, पुलिस में पथराव किया। तो फिर मेरे भाई ने और मेरे वालिद साहब ने, फादर ने जो है उनका एक बहाना था, हालांकि छोड़ते नहीं वो, तो इसी बहाने ये चला जाएगा उधर, तो यहाँ सब मामला ठंडा हो जाएगा, तो बुला लेंगे। तो उस चक्कर में मैं बॉम्बे आ गया, और उनका वो मेरे को आ गया था इंटरव्यू कॉल भी आ गया था, तो मैं इधर बॉम्बे आ गया। तो 6 महीने ट्रेनिंग ली मैंने, कोर्स किया यहाँ पर। हमारे प्रिंसिपल थे मिस्टर गोपाल दत्त, हु वाज वाइस प्रिंसिपल ऑफ पूना इंस्टीट्यूट, वहाँ से रिटायर होकर के आए थे, उन्होंने एकेडमी खोली थी। तो वहाँ पर हम लोगों ने फिर वो एकेडमी 6 महीने की की। तो एक बेसिक चीज़ें जो होती हैं, जो ट्रेनिंग की जो एक्टर के लिए होती हैं, वो तो होती हैं, बाकी तो गॉड गिफ्टेड होता है, ऊपर वाला जो आपको हुनर देता है वही होता है, तो उसको पॉलिश करने का और उसको थोड़ा जमने का हो गया, वो जो मैं आया हूँ। तो उसके बाद फिर नहीं गया मैं। बहुत बढ़िया, घर वालों को लगा कि आ जाएगा 6 महीने बाद, तो साल भर दो साल अब मामला बिगड़ चुका, मामला ठंडा नहीं हुआ है, तो घर वालों ने फिर वो पैसा भेजना भी बंद कर दिया था कि पैसा बंद मत भेजो तो आ जाएगा ये। फिर यहाँ पर मैंने कहा नहीं यार, अभी तो मैं शायद नहीं जा पाऊंगा मैं, तो फिर मैंने अपना थोड़ा बहुत असिस्टेंसी प्रोडक्शन में काम करना, ये करना, वो करना शुरू कर दिया, सर्वाइवल के लिए। अच्छा, एज ए एक्टर, एक तो माइंडसेट होता है कि मुझे एक्टर बनना है, दूसरा एक जो जाति जिंदगी का एक सर्वाइवल वाला होता है, मतलब दो चीजें चल रही होती हैं, एक असल वाली और रियल के लिए यार बनना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बिजनेस है, एक्टिंग तो टोटली कॉन्सेप्ट बिजनेस है। तो ये कैसे उस टाइम पे आपने सर्वाइव किया और क्या माइंड में चल रहा था, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा क्या? बहुत बहुत डिफिकल्ट, वो दो डेज वे आर वेरी वेरी हार्ड डेज, फ्रेंकली स्पीकिंग, बहुत ही संघर्ष किया है हमने, क्योंकि उस वक्त ये टेलीविजन था नहीं, ये चैनल कम थे, बिल्कुल नहीं था, सिर्फ दूरदर्शन था और कुछ नहीं था। तो मेरे एक दोस्त थे मिस्टर सुरेश जरगर, हु डाइड नो मोर अभी, जिन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, उन्होंने कहा यार तुम थिएटर ज्वाइन कर लो तो बहुत फ़ायदा होगा। तो फिर मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। थिएटर एक बहुत बड़ा थिएटर है जो पूरे हिंदुस्तान में है, जो 1942 से स्टार्ट है, उसका नाम है इप्टा, राइट, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, भारतीय जन नाट्य संघ, जिससे बड़े बड़े लोग जुड़े हुए, फारूक शेख साहब उसी में थे, बलराज सानी उसी में थे, कैफी आजमी, शौकत आजमी, और अपने संजीव कुमार, रमेश तलवार, एमएस सत्यू, है ना, फारूक भाई तो थे ही, और एक्टर्स में बहुत बहुत लोग थे, इवन देवानंद साहब भी उसमें थे, हाँ उसमें थिएटर में। और आज की डेट में जो आप देख रहे हैं, भरत कपूर हो या अपना राकेश बेदी हो या सुधीर पांडे, अंजन श्रीवास्तव, सुलभा आर्या, यू नो, ये सारे के सारे जो हैं इप्टा से ही हैं। तो आप इप्टा से जुड़ गए? मैं इप्टा में जुड़ गया, और इप्टा में जुड़ने से फ़ायदा क्या हुआ कि ये एक जो फ्रस्ट्रेशन जो होती थी ना कि यार काम तो है नहीं, कुछ क्या करें, तो वहाँ जुड़ने से क्या हुआ कि दोस्त लोग मिल गए, और फिर आप शाम को जाके रिहर्सल कर रहे हैं, तो आपकी वो एक जो है वो एक्सप्रेशन जो अभिव्यक्ति है, एक्सरसाइज भी हो रही है ना, प्रैक्टिस भी हो रही है, आप एज एन एक्टर आपको प्रैक्टिस भी, शाम को जा रहे हैं, दिन भर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा, फिर वहाँ से लोगों से दोस्ती हुई, तो सिद्धार्थ काक भी इप्टा के थे, सिद्धार्थ काक, गीता काक, तो वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते थे, तो मैं उनके साथ जुड़ गया प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन भी किया, उनको असिस्ट भी किया, फिर उन्होंने एक कॉमेडी सीरियल बनाया था जब ये शुरू हो गए थे दूरदर्शन के लिए, उसका नाम था बाबा जी का बायोस्कोप, उसमें उन्होंने मुझे रोल भी दिया इंस्पेक्टर का। तो ये इस तरह से सिलसिला धीरे 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 चलता रहा। तो जो आपने बचपन में किया था कि सारे काम खुद कर रहे थे, वो ट्रेनिंग और होमवर्क यहाँ भी काम आया जी, जी, कि बाकी काम भी करने का मौका मिलता चला गया। तो फिर फिल्मों में बड़ा मौका कब मिला? बड़ा मौका भी थिएटर से मिला। अच्छा जी हाँ, मेरा एक नाटक था, उसका नाम था लोक कथा। लोक कथा एक ऐसा नाटक था जिसमें मैंने एक गांव का, मैं जो दरोगा जो होता है ना, जो पूरा गांव में रहता है, और वो सब जमींदारों से और सरपंचों से और बड़े बड़े वहाँ के जो मुखिया लोग होते हैं उनसे मिला हुआ रहता है, उस तरह का रोल था वो लोक कथा में, जो नेगेटिव था और थोड़ा कॉमेडी लिया हुआ था। वो रोल था मेरा, बड़ा फेमस हो गया वो। तो उसको वो प्ले देखने के लिए आए थे सलीम खान, अच्छा सलमान खान के फादर, वो आए थे वो प्ले देखने। वैसे तो मैंने बहुत सारे प्लेस किए हैं, बहुत सारे एक टाइम बहुत सारे प्लेस, बकरी हमारा बहुत फेमस, बकरी आपका बहुत फेमस प्ले था, आखिरी सवाल, द्रोणाचार्य, उसमें मैं द्रोणाचार्य का रोल किया था, सफेद कुल्ले जिसमें शबाना जी ने भी काम किया था, ऐसे डंडे का घोड़ा, राक्षक, और ये और वो बहुत सारे मैंने प्लेस किए। लेकिन वो लोक कथा प्ले देखने आए थे वो, और उनको मेरा रोल बहुत अच्छा लगा, सलीम भाई को। तो सलीम साहब उस वक्त भट्ट साहब की फिल्म लिख रहे थे नाम, ओके लिख चुके थे, दूसरी फिल्म लिख रहे थे कब्जा, संजय दत्त अमृता सिंह वाली। तो उन्होंने वो मेरा रोल देख करके, फिर रमेश तलवार जो डायरेक्टर था उनको फोन किया कि यार वो दरोगा का रोल किसने किया था, तो उन्होंने बताया मुश्ताक खान ने किया था, अच्छा अच्छा तो उसको भेजना मेरे पास। तो रमेश तलवार ने मुझे बोला कि यार वो तुमको सलीम साहब याद करे, तो मैं सलीम साहब के पास गया, उनके घर गैलेक्सी में बांद्रा में, उनसे मिला, तो उन्होंने बड़ी पीठ थपथपाई मेरी, और कहा यार तुमने बहुत बढ़िया किया, मेरे को बड़ा मजा आया, तुमने जो रोल किया ये,
मैंने कहा सलीम साहब थैंक यू वेरी मच, आप इतने बड़े राइटर हैं, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में आपने लिखी हैं, तो मैं तो खुश हो गया। नहीं नहीं तुमने बहुत अच्छा काम किया और मुझसे मिलते रहा करो और देखो जब भी होगा तो मैं बताऊँगा। तो वैसे मिलते रहता था उनसे, अगर मैंने फ़ोन कर लिया, घर चला गया कभी वो सब। तो एक दिन जब मैं गया तो बोला अच्छा अच्छा हुआ तुम आ गए, मैंने तो महेश भट्ट से तुम्हारे लिए बात की हुई है, वो फिल्म मैं लिख रहा हूँ कब्जा, और तुम जाके मिल लो उनसे। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं। और उन दिनों महेश भट्ट बोले तो अरे टॉप में, मतलब भट्ट साहब के पास उस वक्त ये था कि मतलब हाथों में पांच पांच छह छह फिल्म एक साथ करते थे, समझे आप। राइट फ्रॉम कब्जा ले लो आप, या सड़क ले लो, या जुनून ले लो, या हमें राही प्यार के ले लो, या सर ले लो, या सातवा आसमान ले लो, गुबरा ले लो, या स्वयं ले लो, सारी फिल्म, कितनी फिल्में आपको बताऊं मैं, वो सारी फिल्में जो है ना वो भट्ट साहब की थी। तो मैं जब भट्ट साहब से मिला तो वो शूटिंग कर रहे थे यारी रोड में, तो मैंने कहा सलीम साहब ने यू आर मुश्ताक खान, अच्छा भैया ठीक है, अभी तो मैं शूटिंग कर रहा हूँ यार तुमसे बात नहीं करता, मैं रॉबिन भट्ट है, मुकेश भट्ट है वो मेरे भाई दोनों, वो प्रोड्यूसर है, उनसे मिल लो, उनसे बात कर लो, अपना नंबर दे दो, फिर देखते हैं ठीक है। ऐसा करके वो अपने बिजी हो गए। फिर मैं चला गया रॉबिन भट्ट और उनके से बात किया, मैंने कहा सर ऐसा ऐसा ठीक है, बोले वी लेट यू नो, हम बताएंगे आपको कब जरूरत पड़ती है। बस वही हो गया था, 15-20 दिन में एक फ़ोन कॉल आ गया उनका कि आ जाओ भैया कुछ रोल निकला तुम्हारा। तो वो परेश रावल के साथ एक रोल मुझे मिला गया उसके साथ, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। वो है उसके बाद तो फिर उसके बाद तो फिर भट्ट साहब ने मुझे छोड़ा नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग, राइट राइट। उसके बाद जो उन्होंने रोल्स मुझे दिए हैं हर फिल्म में, डिफरेंट रोल दिए उन्होंने हर फिल्म में, सही बात है ना। सड़क में उन्होंने मैं पिम बना दिया, आशिकी में मुझे टेरर मास्टर बनाया, उसके बाद फिर जुनून फिल्म थी उसमें एक उन्होंने ट्राइबल आदिवासी बना दिया, उसके बाद हमें राही प्यार के में गारमेंट फैक्ट्री का मैनेजर जो बहुत बड़ी हिट हुई फिल्म की, सर फिल्म में उन्होंने नेगेटिव रोल दिया कालोबा का, वो इस तरह का हुआ। दिल है कि मानता नहीं में मुझे कंडक्टर का रोल दे दिया, नाराज में मुझे एक एक्टिविस्ट का मतलब उसके साथ दोस्त का रोल दिया था अपना रिटर्न चक्रवर्ती के साथ, कुमराह में इंस्पेक्टर बना, मतलब हर तरह के उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रोल दिए। और उसके बाद फिर हमें राही प्यार के से और आशिकी से खास करके इन फिल्मों से, भट्ट साहब की फिल्मों से मुझे बहुत अलग ही पहचान। हाँ यार, उसके बाद फिर लोगों ने और भी दिया, फिर जुल्म की हुकूमत मैंने किया, गदर फिल्म मेरी आई बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, क्रांतिवीर आई मेहर कुमार की, वो बड़ी बड़ी हिट फिल्म थी, फिर डेविड धवन की जोड़ी नंबर 1, एक से एक और 11, ये सारी फिल्में, फिर रावड़ी राठा और वेलकम वेलकम बैक वगैरह फिल्में। एक और आपका किस्सा है जो मैंने बहुत सुना है और कभी कभी मेरी आदत है, मैं रिसर्च करता रहता हूँ, जो जुड़ा हुआ है अमिताभ बच्चन से और बकरी से। वो शॉट देने जा रहे हैं एकदम चलते शॉट, वो आप ही बताओ। वो भी कम बहुत अच्छा किस्सा है वो। एक्चुअली क्या था कि एक फिल्म थी बच्चन साहब की, वो कालिया, समझे आप। मैं उन दोनों की बात कर रहा हूँ, ये जब मैं भट्ट साहब से नहीं मिला था, बहुत शुरुआत की बात है जब आप थिएटर करते थे सिर्फ। और हाँ, मैंने एक बहुत बड़ा नाम मैं आपको भूल गया जो बताना, ख्वाजा अहमद अब्बास का नाम सुना है? जी हाँ जी हाँ। हु रोट मेरा नाम जोकर, बॉबी, और खुद एक प्रोड्यूसर थे वो, खुद जो डायरेक्टर भी थे, राइटर तो बहुत कमाल के। और ब्लिट्स एक मैगजीन निकलती थी, पेपर निकलता था उसके, वो आज़ाद कलम वो राइटर चला देते थे। तो वो हम क्योंकि वो इप्टा के मेंबर थे तो उनके घर आना जाना हमारा होता था, तो हम उनके यहाँ चले जाया करते। तो वहाँ पे टीनू आनंद से मुलाकात, क्योंकि टीनू आनंद जो थे, टीनू आनंद के फादर जो मुल्क राज आनंद, वो भी बहुत बड़े राइटर थे, तो अब्बास साहब उनके दोस्त थे, तो अब्बास साहब के पास आया करते। तो अब्बास साहब की फिल्म किया था इन्होंने, बच्चन साहब ने और टीनू साहब ने खुद, साथ हिंदुस्तानी, तो खैर वो तो खैर अलग बात है। तो फिर अब्बास साहब के सामने फिल्म भी किया था मिठुन चक्रवर्ती के साथ, नक्सलाइट्स। तो ये वहाँ पर टीनू आनंद से हमारी मुलाकात हुई। तो जब मैं जुहू में रहता था एज ए पेइंग गेस्ट, 4 महीने का किराया हम नहीं दे पाए थे, तो मकान मालिक जो था हमारा राशिद भाई, वो क्या जी 3 महीना हो गया बोल रहे अभी देते कभी देंगे हैं, अभी क्या तुम्हारे लिए मैं ऐसी रोज में तुम्हारा चक्कर लगाता, इस तरह की बात करते थे वो। मैंने कहा राशिद भाई थोड़ा सा क्या, थोड़ा थोड़ा करते जी हैं, वो थोड़ा साउथ के थे। तो मैंने कहा नहीं रची भाई प्लीज़ प्लीज़, हाँ चलो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, देखो 4 महीने के बाद ना तुमको मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा भाई, ठीक है। तो ऐसा कुछ करें, तो बड़ा टेंशन था कि क्या करें। तो पता चला कि टीनू साहब फिल्म बना रहे हैं कालिया, तो कालिया फिल्म बना रहे हैं और सेट लगा था उनका वहाँ पर कालिया मैदान फिल्म सिटी में। ओके, तो मैं वहाँ पर उनके टीनू साहब के पास चला गया, तो पहचान गए वो, क्योंकि अब्बास साहब के साथ आते जाते। हाँ भाई बोल। मैंने कहा सर ऐसे 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 है, तो देख भाई ऐसा है वहाँ पर जो है ना बेटा रोल कुछ है नहीं, वहाँ पे अमिताभ बच्चन है,
प्राण साहब हैं और कैदी हैं, इतने लोग हैं और कुछ नहीं। तो मैंने कहा सर कैदी बना दीजिए। अबे यार कैदी तेरे को कैसे बना दूँ यार, लले तेरे को कैदी कैसे बना, तू थिएटर का आर्टिस्ट है, तू अब्बास साहब के यहाँ रहता है, अब्बास साहब मेरे को मारेंगे कैदी। मैंने कहा अब्बास साहब को क्या बताऊँ मैं, प्रॉब्लम है सर। बोले क्या प्रॉब्लम? मैंने कहा रोल तो ठीक है, मैंने कहा मेरे को पैसे चाहिए, ईमानदारी की बात बताओ ऐसा है। बोले अच्छा अच्छा तू आ जा, बोले कल आ जा। सर मैंने 9 दिन वहाँ पे कैदी के कपड़ा पहन करके, कैदी के कपड़े पहन करके 9 दिन शूटिंग की जूनियर आर्टिस्ट की। वहाँ पे 125 रुपये मिलते थे हर दिन के, और यहाँ का किराया था रशीद भाई का 150 रुपये एक महीने का। ओके तो वहाँ खाना भी मिलता था और ये पैसा भी मिलता था। और वो टीनू साहब मुझे बहुत हेल्प करते थे, जब भी ऐसे देखते लले थोड़ा थोड़ा इधर आ जा, हाँ थोड़ा तू छुपा देते नहीं, अच्छा, नहीं नहीं दिखे। हाँ ओके मैं बता रहा हूँ ना आपको उसका रीजन, ना देखे करके, और उनको मालूम था कि ये भाई मतलब देखने का कोई जूनियर खड़ा खड़ा है, तो वो ऐसे छुपाते थे मुझे और शाम को पैसा मिलता। तो उसके बाद क्या हुआ, उनका वो वहाँ का सेटअप खत्म हुआ वो लोकेशन का, उसके बाद दूसरा एक सीन को करना था मोहन स्टूडियो में। तो फिर एक बार वो मेरे को बुलाया उन्होंने, ए तू आ जा वहाँ पर यार मोहन स्टूडियो। क्या बात, तू आ जा आ जा आ जा। तो मैं गया तो बोले एक रोल है करना तेरे को छोटा सा, कर लेगा? मैं हाँ कर लूँगा क्यों नहीं यार, देख ऐसा है। मैंने कहा सर वो आप 9 दिन किया, बोले तू नज़र ही नहीं आता उसमें, देख लिया मैंने कर लेगा। तो उन्होंने एक दूसरा रोल दिया मुझे उसी फिल्म में। हाँ उसी फिल्म में समझे आप, रामधन का, तो वो भी बच्चन साहब के साथ, बच्चन साहब के साथ दिया। वहाँ पर जो हुआ ना, तो थोड़े बच्चन साहब टीनू साहब जो हैं कि घबरा, मैंने कहा तू कर लेगा ना बच्चन साहब से। मैंने कहा अरे तू कर लेगा चल ठीक है। वहाँ पर बच्चन साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई और वहाँ मैं बच्चन साहब का मतलब एज एन एक्टर तो फ़ैन था ही, एज ए पर्सन भी फ़ैन इसलिए हो गया कि उन्होंने जैसे ही मुझे देखा ना गले में हाथ ऐसे बोला कम 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 हाउ आर यू। ओके सर आई एम फाइन, इंग्लिश भी इतनी नहीं आती सर, ठीक हो सर, गुड गुड टू सी यू, बहुत अच्छे एक्टर हो आप। तो मैंने कहा यार ये क्या देगा, कहाँ भी मैंने कुछ हुआ ही नहीं है। अरे भाई हमने आपका प्ले देखा है, प्ले देखा आपका बकरी, प्ले देखा आपका लोक कथा, हाँ देखा करते हो ना आप। मैंने कहा हाँ सर, वो मैंने और जय ने साथ में मिलकर देखा है आपका। अरे क्या बात, वेरी गुड एक्टर, कीप इट ऑन। तो वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल पूरा माहौल ही बन गया। तो वो थोड़ा सा टीनू साहब भी थोड़ा जो है उनको भी लगा नहीं। एक्चुअली क्या होता है ना, कला की जो कलाकारी होती है ना बहुत दूर दूर तक पहुंचती है, उसका कोई आकार तो नहीं। वो बच्चन साहब ने इतना ईज कर दिया, इतना ईजी कर दिया मुझे कि वो मजा आ गया, वो सीन भी बहुत अच्छा हो गया। तो देखिए आपने जब जरूरत पड़ी तो एज ए जूनियर आर्टिस्ट भी काम किया, क्योंकि सर्वाइवल भी जरूरी होता है। बहुत सारे एक्टर ना मुश्ताक भाई इस चक्कर में ले जाते हैं कि यार मैं ये करूंगा तो टाइप्ड हो जाऊंगा, फिर मुझे काम नहीं मिलेगा। इस पे आप क्या कहना चाहोगे, काम काम है प्रोफेशनल एक्टर के लिए? नहीं नहीं देखिए मैं समझता हूँ कि एक्टर तो जैसे मैं ना, लोग कहते हैं कॉमेडियन, मैं समझता हूँ यार कॉमेडियन और विलेन और ये वो क्या होता है, वो ये वो क्या होता है, क्या मतलब विलेन का? अगर मैं कोई विलेन का रोल कर रहा हूँ तो इसको मैं थोड़ी मैं खराब आदमी हो गया एक्टर, मैं एक्टर हूँ। अगर मैं मुझे एक खराब रोल मिल रहा है मुझे करना एज एन एक्टर, इट्स अ चैलेंज फॉर मी। अगर मैंने सिर्फ कॉमेडी, आज मेरे को अगर डिफरेंट रोल मिलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम क्या होता है हमारी इंडस्ट्री में, जैसे मैंने फिल्म किया हमें रही प्यार के, वो कॉमेडी फिल्म थी, तो वो उसके बाद मेरे पास सारे रोल जो कॉमेडी उस तरह के हैं। हाँ तो सही कहा आपने कि मतलब एक्टर तो एक्टर है, उसको तो एज एन एक्टर काम करते रहना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, ये बहुत अच्छी बात बताई। अब मुश्ताक भाई और जो चल रहे हैं अभी आपके, जैसे वेलकम टू आई और बहुत सारी फिल्में अभी आपकी आई, अभी जो नई आने वाली फिल्में वो कौन कौन सी? अभी सर देखिए वैसे तो मैंने बहुत सारी फिल्में की और कर भी रहा हूँ और सब, मैं ज़्यादा उनके बारे में जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन 2-3 फिल्मों के बारे में जिक्र करूँगा। एक फिल्म कंप्लीट है, कंप्लीट क्या मेरे ख्याल है 3 फिल्म कंप्लीट 4 फिल्म कंप्लीट है जिनका मैं जिक्र करूँगा। एक फिल्म है उसका नाम है शर्मा जी की लग गई। ओके हाँ कॉमेडी फिल्म है, मनोज शर्मा उसके डायरेक्टर हैं, बड़ी अच्छी फिल्म बनाई उन्होंने, हल्की फुल्की है ना, उसमें बड़े डिफरेंट आर्टिस्ट हैं, कृष्णा अभिषेक है ओके और मुग्धा गोड से है ओके मेन रोल जो है ओके। उसके बाद उसमें विजेंद्र काले हैं, बड़े अच्छे एक्टर, बहुत अच्छे एक्टर, मुकेश तिवारी हैं, हेमंत पांडे हैं, हिमानी शिवपुरी हैं, इस तरह का है। तो वो बहुत अच्छे, बहुत सब्जेक्ट भी अच्छा है, कॉमेडी फिल्म है वो, बढ़िया। तो वो एक कम्प्लीट फिल्म है शर्मा जी की लग गई। एक और फिल्म है जो मैं भोपाल में करके आया हूँ, उसका नाम है स्त्री।
स्त्री वो एक हॉरर फिल्म है लेकिन बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है उन्होंने, मैड डॉग फिल्म्स की फिल्म है वो। ओके उसमें राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर है ना, ये लोग वो भी बहुत अच्छी फिल्म है। फिर मैंने एक फिल्म की है चक्की, चक्की रूटीन जो है वो मैंने फिल्म की भोपाल में, उसमें भी अच्छी कास्टिंग, फिल्म बहुत अच्छी है, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, राहुल भट्ट एक एक्टर हैं जो आप जानते होंगे, एक फिल्म आई थी बहुत पुरानी नई पड़ोसन है उससे, वो उसके हीरो हैं और उसमें हीरोइन का नाम बोल रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छी है। ये है फिल्में और एक और फिल्म की याद मुझे याद नहीं आ रही जो अच्छी मैंने फिल्म की हुई है, और एक नेपाल में एक फिल्म मैंने की है थोड़ी सी, वो भी कॉमेडी, मोस्टली इसमें डिफरेंट रोल हैं इसमें लेकिन थोड़ा सा मजा ही अभी इस तरह की फिल्म ये है। आपने मुझसे कहा दोनों प्लेटफॉर्म पे काम किया, दोनों मीडियम में, मतलब थिएटर भी किया एक तरह से, पर मैं ज़्यादा बात करूँगा विजुअल मीडियम में, टीवी और फिल्म, एज एन एक्टर क्या फ़र्क लगता है आपको दोनों में? टीवी और फिल्म्स में जो फ़र्क है एक्टर के लिए उतना नहीं, क्योंकि हम एक्टिंग जो बड़े पर्दों में करते हैं वही छोटे पर्दों में। देखो एक बात मैं मानता हूँ कि एक्टर जो है ना वो कंजूस नहीं हो सकता कभी, कि इसके लिए अलग करेगा इसके लिए अलग करेगा कि नहीं यार ये टेलीविजन इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं उसको, नहीं, अगर वो ऐसा करता है ना तो मैं समझता हूँ वो ईमानदार एक्टर नहीं है, खुद से भी गद्दारी कर रहा है। आप गलत कर रहे हैं, आप प्रोफेशन के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं, आप करेंगे अच्छा अच्छा एक्ट, कोई भी एक्टर जो अच्छा सही माने में जो एक्टर है वो कभी नहीं करेगा, वो कभी नहीं करेगा, इसलिए कि ये नहीं कि वो छोटी फिल्म है या उसका इसमें रिमुनरेशन जो है वो कम है या जो इस तरह का है, ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो पूरी अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से काम करता है, पहली बात तो। बट जब हम फिल्मों में काम करते हैं तो एक क्या होता है कि फिल्म तो एक फिल्म बनती है सालों में बनती है, 6 महीने में 8 महीने में बनती है, तो वो उसका एक तरीका होता है, तो जब आप जाते हैं तो आपको मैक्सिमम 2 या 3 सीन करने होते हैं पूरा टाइम। हाँ, अब और बड़ी फिल्म आप करने जाएंगे तो उसमें और भी आप रिलैक्सेशन होता है बहुत तरीके से काम, जैसे हम वेलकम बैक में इस तरह से काम करते तो एक एक दिन में एक एक सीन करते थे, या कभी डेढ़ या दो सीन इतना, जब पूरा जब तक वो एक ही सीन किया बहुत बढ़िया आराम से किया, तो वो सारे सोच समझ के नहीं ये नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं इस तरह करके। टेलीविज़न में क्या होता है कि लिमिटेशन है बहुत ज़्यादा, टेलीविज़न में आपको एक उनका एक टारगेट होता है, सर आज इतना काम खत्म, ये सब ये करना, ये फुटेज कहाँ पर कितना हुआ, हाँ कितना हुआ भाई, क्या 20, अरे यार 20 मिनट हुआ आज, ये तो वो टेंशन हो जब चलो ओके सर अरे यार ये थोड़ा सा, लेकिन एक्टर को उतना ही प्रॉम्प्ट होना, हाँ एंड बहुत टैक्सिंग होता है, टैक्सिंग इन द सेंस बहुत टायरिंग भी होता है कभी कभी, बोझ एक बहुत ज़्यादा रहता है जो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, वो सबके लिए है, सभी के लिए, टेक्नीशियन के लिए भी है और डायरेक्टर के लिए ज़्यादा है, एक्टर तो फिर भी थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता है, उसको रिलैक्स कर लेता है अपने में, बाकी लोग में तो। लेकिन आप देखेंगे तो डायरेक्टर उसके असिस्टेंट और कैमरामैन और ये सब उनके लिए बड़ी फजीलत हो जाती है, क्योंकि उनको तो भैया कैमरा तो उनको कैमरामैन को चलाना है, डायरेक्टर को तो होना ही होना है उसके बाद, और उसको तो ठीक है मैं दूसरे सीन में नहीं हूँ थोड़ा रिलैक्स कर लूँगा, लेकिन उनको तो हर सीन शूट करना, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा एक टेंशन हो जाता है और स्ट्रेच बहुत हो जाता है, तो ये सब है। अब पहले जो बनती थी, अब आजकल क्या हो गया ना वो डेली सोप वाला चक्कर, वो ये डिलीवरी जल्दी कि भैया मंडे से फ्राइडे इतना आपको करना है तो उसमें क्वालिटी मार खाती है उसमें, फिर वो कहते हैं अरे खत्म करो यार नहीं हो गया, अरे भाई चलो हो गया यार खत्म कर दूसरा सीन करते हैं, फिल्मों में ऐसा नहीं होता, फिल्म में क्वालिटी वाली बात नहीं होती। चलिए मुश्ताक भाई बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल मजा आया और आपकी बातों में भी बहुत मजा आया, थैंक यू। सो फ्रेंड्स मुश्ताक जी से मिलके बहुत मजा आया, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जो बातें सीखनी हैं वो ये हैं कि पहली बात कि जब भी आप ये सोचो कि आपको एक्टिंग फील्ड में जाना है तब से ही शुरुआत कर लो, क्योंकि मुश्ताक जी ने बचपन से ही शुरू कर दिया था। मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं ना, जैसे ही माइंड में क्लियर हुआ गोल कि मुझे एक्टर बनना है, एक्शन लो, एक्शन लेना बहुत जरूरी है, सिर्फ सोचने से आप एक्टर नहीं बनोगे। फिर दूसरी बात सीखने को मिलती है कि जो भी अवेलेबल प्लेटफॉर्म हो उस पर काम करना और परफॉर्म करना शुरू कर दो। मैं हमेशा आप लोगों से यही बात कहता हूं कि अपने आसपास देखो कौन सी अपॉर्चुनिटी है, स्कूल है, कॉलेज है, कल्चरल इवेंट्स है, कहीं भी कोई भी मौका मिले मत चूकिए, फौरन परफॉर्म करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये होमवर्क बाद में बहुत काम आता है। मुश्ताक जी बाद में थिएटर भी करने लगे और उसका कैमरा एक्टिंग को समझने के बाद उन्होंने फिर फिल्मों में भी काम करना शुरू किया, छोटे छोटे रोल भी किए। आप समझे जो उन्होंने किस्सा बताया कितना इंपॉर्टेंट था, कि जब आपका काम में दम होता है ना, आपकी कलाकारी में दम होता है ना, तो फिर इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग आपके सपोर्ट करने में लग जाते हैं। उन्होंने जो टीनू जी का किस्सा बताया वाकई बहुत ही कुछ सिखाने वाला है,
और उसके बाद कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। उन्होंने क्लियर कहा कि एक्टर एक्टर होता है, उसको अपना काम करना चाहिए। जॉइंट फिल्म का यही मिशन है, यही उद्देश्य है कि इंडस्ट्री की सच्चाई को आप समझें। अगर आप किसी भी प्रोफेशन में आना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो सारी चीजों को देखकर जानकर समझकर आए। तो मुश्ताक जी ने जो भी इस इंडस्ट्री में सीखा वो सभी कुछ आपको सिखाया। फिर मत कहना नहीं बताया।